फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गेश किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चकली। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। मैंने लिया है एक गिलास गर्म पानी, ये लिया है मैंने बेसन, ये बेसन 5 चम्मच के हिसाब से है। ये मैंने थोड़ा सा गर्म करके रिफाइन ले लिया है। अगर आप चाहें तो बटर या घी भी ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चावल का आटा है। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये साबुत जीरा, स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक बड़ा बोल और मैंने रख लिया उसके ऊपर एक छन्नी। अब हम इस चावल के आटे को इस छन्नी में छान लेंगे। मैंने आटे को छान लिया, अब इसी छन्नी में हम बेसन को भी छान लेंगे। इसे छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी गुठली या कोई भी ऐसा चीज़ हमारे मिश्रण में ना लाएं जिससे ये अच्छा ना बने, इसलिए इन सबको छान लें। हमने दोनों को छान लिया है और छानने के बाद इसे मिक्स कर लें आटे में अच्छे से। चावल के आटे और बेसन को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मसाले जो हमने लिए हैं। मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये मैंने लिए है साबुत जीरा। अगर आपके पास साबुत तिल हो तो आप वो भी डालें, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। और फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिला लें। जैसे हम इन सब चीज़ों को मिला लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने घी गरम करके रखा था वो डाल दें इसके अंदर। ठंडा ना डालें, हमेशा घी या जो भी आप लें इस्तेमाल करें उसे गर्म करके डालें। ये गरम घी है इसलिए मैं इसे हाथ से इस्तेमाल नहीं कर रही, बाद में हम इसे हाथ से गूंदेंगे। तब तक हम चम्मच की सहायता से इसे मिला लेंगे। मैंने इसे हाथ से अच्छे से मिला लिया और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गरम पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा पानी ना डालें नहीं तो ये गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसे गूंद लें। हमें बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ही ज़्यादा नरम आटा नहीं गूंदना है। अभी आटा ड्राई है तो इसमें हमें और पानी की जरूरत पड़ेगी, तो हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इस आटे को गूंद के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आटे को गूंदना, अब इसमें पानी नहीं डालना है, इतना मैंने गूंद लिया है। अब इससे ज़्यादा हमें मॉइस्ट नहीं करना है इसे और ना ही ज़्यादा ड्राई करना है। तो हमारा आटा लग के अब तैयार है, ये देखिए। अब इस आटे को हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम अपनी मशीन सेट कर लेते हैं इसे बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं चकली बनाने के लिए मशीन ले आई हूँ। ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है मशीन, और आप इसे खरीद लेंगे तो इसके साथ में जो मिलती है इसके सांचे, ये बहुत किस्म के मिलते हैं, लेकिन चकली हम इस सांचे से बनाएंगे। तो चलिए मशीन को फिट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके नीचे ये लगाएंगे सांचा और इसे इस तरह से बंद कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिट हो गई। और हम इसमें लगाएंगे 1 चम्मच के हिसाब से तेल ताकि इसमें चिकनाई सी आ जाए। मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और इसके चारों तरफ से हम लगा दें। अगर आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं ताकि जो हम इसमें लगाएंगे वो चिपके ना। अच्छे से इसे लगा लें थोड़ा सा। फ्रेंड्स, मैंने इसको लोड कर लिया है मशीन को। अब हम इसमें ये मिक्सर डालेंगे मशीन के अंदर। तो इस मिक्सर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इसे एक पतला लंबा बना लें ताकि आराम से मशीन में घुस जाए, और इस मशीन में इसे ऐसे भर दें अंदर तक, इसमें कोई गैप ना रखें, जितना आ सकता है उतना बनाएं। थोड़ा सा कम ही रखें ताकि जो ऊपर मशीन लगेगी
तो अच्छे से उसमें स्पेस रहे इसे नीचे दबाने के लिए। तो मैंने इतना इसे भर दिया है और अब हम इसकी ऊपर वाली मशीन को फिट कर लेते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं, इसे हम ऐसे फिट कर लेते हैं, इस तरह से इसे लॉक कर लेंगे और ये हमारी मशीन बिल्कुल रेडी है बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। मैंने देखिए एक इसको टेस्ट करने के लिए पहले बना के देखा और ये आराम से निकल जा रहा है, तो चलिए मैं इसे दूसरा भी बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहें जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी बनाएं, मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। तो इसको यहाँ से कट कर लें और इसकी एजेस को यहाँ से चिपका दें और ये हमारी दो चकली बन के रेडी हो गई है। इसी तरह मैं सारी चकली बनाना स्टार्ट बना के रखती हूँ। मैंने चकली बना के तैयार कर ली है, मैंने दो प्लेट में चकली बनाई है, एक कप आटे से मेरी इतनी सारी चकली बन के रेडी है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे तेल में। तो मैंने बिठाया है कढ़ाई गर्म होने के लिए और इसमें मैंने रिफाइंड में इसे मैं बना रही हूँ, इसे गर्म करने के लिए रख दिया है। चेक करते हैं कि तेल गर्म है कि नहीं। तो मैंने छोटा सा एक बेसन का वो इसका मिक्सचर ले रखा है, इसको डालेंगे और ये देखिए जब ये ऐसे बबल्स करके अगर ये ऊपर आ जा रहा है तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल सही है चकली डालने के लिए, क्योंकि हम बिल्कुल ठंडे तेल में चकली नहीं डालेंगे और तेल बहुत ही ज़्यादा धुआंधार गर्म हो तब भी हम इसे नहीं डालेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है डालने का। तो मैं इसे डालती हूँ अब चकली को। तो चकली उठा के डालना भी एक ट्रिक है, क्योंकि अगर चकली को हम बिल्कुल रेशली डालेंगे तो चकली का शेप टूट जाएगा। तो इसे बिल्कुल हल्के हाथों से उठा के आराम से डालें ताकि शेप इसकी ख़राब ना हो। ये देखिए बिल्कुल आराम से कढ़ाई में छोड़ें और एक बार में ज़्यादा चकलियों को ना डालें। मैंने एक बार में पांच डाली है और ये जो थोड़ी बाहर सी लग रही है इसको हम अंदर डाल लेंगे ऐसे तेल स्प्रेड करके। और अभी हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे वरना तो ये टूट जाएगी। अब हम इसे पलटेंगे क्योंकि एक साइड से ये सिक गई है, दूसरे साइड से भी इसे हम सेक लेंगे अच्छे से। और दोनों तरफ से इसे हम सुनहला कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चकली हमारी फ्राई हो गई है, इसका कलर देखिए सुनहला आ गया है। तो हम इसे एक एक करके निकाल लेते हैं। इस तरह से मैंने सारी चकलियों को निकाला इस पर और हम इसे डायरेक्टली डालेंगे एक टिश्यू पेपर पर, या आप डालें तो किचन टॉवल पे डाल दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने इसे डाल लिया इस पर ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वो इसे एब्जॉर्ब कर ले और हमारी चकली जो है बिल्कुल क्रिस्पी बने। तो मैंने इस पर इसे निकाल लिया है और बाकी की चकली भी मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरे बैच को डाल लेते हैं। मैंने एक बार में चार चार चकली करके तला है, अगर आप चाहें तो एक बार में ज़्यादा डालें, लेकिन बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वो टूट जाएंगी। इसी तरह हम इसे भी गोल्डन फ्राई करके निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मैंने तल के निकाल लिया और बाकी सारे चकलियों को मैं ऐसे तल के निकाल लूँगी। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, मैंने सारी चकली बना ली और बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसे कभी भी खाएं और स्टोर करके रख सकते हैं, जब मर्जी दब खाएं। बहुत टेस्टी है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही ईजी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ। तो मिलेंगे एक ऐसी नई रेसिपी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।